11,000 दीपक का प्रोग्राम बस स्टैंड पर है और आज मनमोहक जो आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है। श्याम परिवार 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में सोलन में विशाल शोभा यात्रा निकालेगा। शोभा यात्रा में हिमाचली वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान राम की झांकियां निकाली जाएंगी। शोभा यात्रा शूलनी माता मंदिर से आरंभ होगी और पुराने डीसी ऑफिस से होते हुए सनातन धर्म मंदिर और फिर लोअर बाजार में पूरी होगी। शोभा यात्रा के दौरान सोलन के पुराने बस स्टैंड पर आतिशबाजी का भी शानदार प्रदर्शन होगा। आतिशबाजी खत्म होने के बाद सोलन में दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें सोलन के पुराने बस स्टैंड पर 11,000 दिए जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को श्री श्याम परिवार सोलन ट्रस्ट सोलन की गणमान्य संस्थाओं के साथ और गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जो सुलूनी माता मंदिर से शुरू होकर पुराने डीसी ऑफिस, पुराने डीसी ऑफिस से वापस सनातन धर्म मंदिर पे ख़त्म होगी, जिसके बीच में हमारी मनमोहक झांकियां हैं, रथ हैं, 11,000 दीपक का प्रोग्राम बस स्टैंड पर है और आज मनमोहक जो आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है, उसमें झांकियां, बाहर से आए हुए बैंड अपना अपना और राम जगदम्बा रामलीला कमेटी के स्वरूप उसमें अपना अपना सहयोग देंगे। इस साल सर दो बार दिवाली मनाई जाएगी जी, हमारे लिए 550 साल के बाद हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस चीज को देखते देखते खत्म हो गई, जो 550 साल के बाद हमारे लिए ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है कि जो हमारे हम इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ये दीपावली मनाएं। और मेरा तो सभी सनातनी भाई बहनों से सबसे आग्रह रहेगा कि वो इस प्रोग्राम में दीपावली को जितना भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं वो हिस्सा ले। दीप 11,000 दीपक तो हमारा प्रोग्राम बस स्टैंड पर चलाने का है, 5100 चिल्ड्रन पार्क में, और मनमोहक आतिशबाजी जगह जगह। और सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि 10 दीपक तो कम से कम अपने घर पर जलाएं ही जलाएं। 2 बजे से सुलूनी माता मंदिर से शुरू होकर रात को 10 बज सकते हैं जिस वक्त तक, उसके बाद प्रभु इच्छा है कितना टाइम लगे हमारे को रास्ते में। कोई भंडारे का आयोजन वगैरह पूरे शहर में भंडारे ही भंडारे हैं, उसका कोई हमारे पास अनगिनत है, जिसका कोई हमारे पास हिसाब नहीं है।